बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के बिसंबर चक गांव में कर्मा धर्मा पर्व के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई, जिसमें महिला समेत 6 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार गांव में कर्मा धर्मा पर्व पर बहन अपनी भाइयों की उम्र एवं जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूजा अर्चना कर रही थी। सभी लोग काफी खुशी के साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इसी बीच कुछ अति उत्साही बहनों ने गाने पर डांस करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद कुछ युवकों ने उसका वीडियो बनाना चाहा। इसका विरोध कुछ महिला एवं लड़कियों ने किया, जिससे आक्रोशित होकर युवकों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी, जिसमें गायत्री देवी, पुतुल देवी, श्यामा देवी, डिंपल कुमारी, चेतन मंडल एवं मुकेश कुमार जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा मामले को शांत कराया। इस घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं जिले में कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाया गया। कौन वीडियो बना रहा था, क्या नाम है उसका? नाम सारा पर्व हो रहा कर्मो धर्मो वही में वीडियो बनाब लगे कल के नहीं बनाये वही में मार कर अभी गिले कौन कौन मार लगते नहीं मती जे कौन कौन मार करने आ गया मतलब हम आँख से नहीं देखे हैं, बस उत्सव हो रहा था कर्मा धर्मा पर्व का गांव में, इतने सा मामला है। इसी बीच में उत्सव के बीच में कैसे हुआ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ये तो हम आँख से देखे नहीं, हम घर में थे। ईटा पत्थर सब चलने लगेगा, उसका कोई मामला नहीं है, कोई पुलिस फोर्स नहीं आया था, लेकिन ईटा पत्थर दोनों तरफ से चल रहा था। क्या मामला है उसका कोई कहना मुश्किल है, लेकिन गांव का समाज का आदमी है, सब अपने आप में पत्थर और ईटा चलना चालू है। बेलहर थाना क्षेत्र के भजोरा गांव में एक 22 वर्षीय महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। मृतिका भजोरा गांव निवासी महादेव शाह की 22 वर्षीय पत्नी संतोषी देवी बताई गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका का किसी बात को लेकर अपने पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला ने गुस्से में आकर अपने गले में साड़ी का फंदा डालकर अपने इहलीला समाप्त कर ली। ग्रामीणों ने घटना की सूचना बेलहर थाने में दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विनोद कुमार पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। मौके पर थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर महिला की मौत का पर्दाफाश हो जाएगा, फिलवक्त शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। रजौन प्रखंड में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व कर्मा धर्मा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर घर के आगे पोखर बनाकर उसे आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बहन ने जहां भाई के लिए उपवास रखा, उसकी लंबी आयु की मन्नत मांगी, वहीं भाइयों ने बहन के हर मुसीबत में साथ देने का प्रण लिया। नवादा बाजार, सिंहनान, रानी टीकर, रजौन, कटचातर, बरौनी, नदीपा, गर्भुकित्ता, बिशनपुर आदि जगहों पर कर्मा पर्व धूमधाम से मनाया गया। पर्व को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। बच्चे दिन भर उपवास रखकर इस पर्व को मनाने में जुटे रहे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को लेकर उत्साह का माहौल रहा। युवतियों और महिलाओं में पर्व को लेकर अधिक उत्साह रहा। सभी ने दिन भर उपवास में रहकर शाम में कर्मडाली की पूजा अर्चना कर अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर कर्माधर्म की कथा सुनाई गई। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बांका ने कदम बढ़ा तो दिया है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। बांका जिला में 10,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन सालाना हो रहा है, जबकि खपत 12,000 मीट्रिक टन की है। विभाग ने इस बार 12,000 से अधिक मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। एक दौर था जब जिले में सरकारी स्तर तक ही मत्स्य पालन का दायरा सिमटा हुआ था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। आम लोग भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। शुरुआती दौर में 500 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा था, वहीं अब 10,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन प्रतिवर्ष हो रहा है। अमरपुर के चंदन चौधरी जैसे मत्स्य पालक इसे व्यावसायिक तौर पर अपनाकर नई ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं। साथ ही दर्जनों युवाओं को मत्स्य पालन से जोड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और आधा दर्जन लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया है। चंदन चौधरी ने बताया, 9 बीघा से अधिक जमीन यूं ही बेकार पड़ा हुआ था। मत्स्य विभाग के सहयोग से तालाब को पुनर्जीवित किया गया। पिछले 3 वर्षों से मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मछली को 1 किलो तक तैयार करने में 80 रुपये का खर्च आता है। सालाना 450 क्विंटल मछली का उत्पादन कर रहे हैं। सब खर्च काट कर सालाना 15 से 20 लाख की बचत होती है। इसे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। चंदन चौधरी ने आगे बताया कि सरकार से अनुदान तो मिल रहा है, लेकिन वह नगण्य है। अनुदान की प्रक्रिया पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। मत्स्य पदाधिकारी कृष्ण कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में 447
सरकारी तालाब के अलावे 4000 से अधिक निजी तालाबों में मत्स्य पालन हो रहा है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रशिक्षण से लेकर बीज मुहैया कराने तक में अनुदान दे रही है। लगातार किसानों को प्रशिक्षण भी दिलवाया जा रहा है। 40 से लेकर 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में 5000 से अधिक लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं। मैं पहले मार्बल टाइल्स का काम करता था, अभी भी मार्बल टाइल्स का दुकान है अमरपुर बस स्टैंड में। काम करने के दरमियान में मुझे ऐसा लगा, मेरा तालाब बहुत पहले से ही ऐसे पड़ा हुआ था, जैसे तैसे काम हो रहा था। इस पर हम अपने तरीके से इस पर खर्च करके अपने ढंग से तालाब को तैयार किए और आज के डेट में अपने व्यवसायिक ढंग से इस पर मछली पालन का काम स्टार्ट किए। और अभी जब से हम काम स्टार्ट किए तो मुझे ऐसा लगा कि आज के डेट में यदि ढंग से व्यवस्थित होकर इस पर काम किया जाए तो बहुत अधिक बेनिफिट है। विगत 3 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है माना सब खर्च को देखते हुए 15 से 20 लाख रुपया साल का प्रॉफिट हम ले रहा हूँ। अच्छा, कितने रकबे में आप करते हैं? 9.5 बीघा पर अभी हम काम कर रहे हैं ये पूरे एरिया में। अच्छा, कौन कौन मछली का पालन करते हैं? हम अभी कैटफिश माने पंगेसियस, रेहू, कातल, ग्लास कार्प, मिर्गल, ब्रिगेट, इस पर जो है अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका मार्केट अभी जो है लोकल जितना भी व्यापारी 10 से 12 क्विंटल पर डे जब मेरा हार्वेस्टिंग शुरू होता है तो यहीं आ जाता है व्यापारी और अपना कोई 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल लेके अपना बेचता है बाजार। अच्छा, मछली पालन में सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, आपको कुछ मिल पाया है कि नहीं? सरकार के तरफ से जो भी माने अनुदान है मुझे भी मिला है माने 1.25 लाख रुपया, लेकिन बजट के हिसाब से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई माने रकम है, काहे कि इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक है। उस हिसाब से माने सरकार के तरफ से जो भी रुपया मिला वो कोई बेनिफिट हमको नहीं लगता है कि उससे बहुत गृहस्थ को बेनिफिट हो पाएगा। इस पर थोड़ा सा सरकार को विचार करना चाहिए। ये हमारे नीचे वर्कर जो और खट रहा है वो लोगों को भी काम मिल रहा है। अच्छा, माने चंदन चौधरी को देखा देखे तुम भी काम करने लगे? हाँ। कितने में तुम करते हो खेती? हम लोग करते हैं 2000-3000 अभी तक तो यही कर रहे हैं। बांका जिला के बाराहाट थाना पहुंचे पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने सलामी लेने के बाद थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अभिलेखों की गहनता से जांच की। जांच में त्रुटि पाए जाने पर उन्होंने थानाध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर को इसमें सुधार लाने का सख्त निर्देश देते हुए कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान कार्यों की समीक्षा, शस्त्र रजिस्टर, क्राइम व विवेचनाओं के निस्तारण, गश्ती रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, वारंट तामिला के साथ साथ आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सारे अभिलेखों की त्रुटि को सुधार ले, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी उपस्थित पुलिस कर्मियों को कार्यस्थलता पर कड़ी फटकार लगाई। मौके पर पत्रकारों को बताया कि अगर शीघ्र ही अधिकारी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं तो उन पर कार्रवाई निश्चित है। बांका जिला के बिलहर थाना क्षेत्र के झारूडी गांव का एक युवक गांव के बाहर सड़क के किनारे नहर के पास मिट्टी उठाने के बाद एक गड्ढे में नहाने के क्रम में डूब गया। डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों के सहयोग से मृत युवक का शव काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस एवं अंचलाधिकारी पहुंचकर मामले की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार झारूडी गांव के सत्यनारायण तांती का पुत्र दीपू कुमार तांती अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के बाहर बनगावा गांव के नजदीक नहर के लिए जेसीबी द्वारा मिट्टी उठा लेने के बाद बने गड्ढे में पानी रहने के कारण नहाने गया था। नहाने क्रम में दीपू कुमार तांती पानी में डूब गया, जिसके बाद उसके साथी इसकी सूचना गांव वालों को दी। तब गांव के ग्रामीण आकर दीपू का शव पानी से काफी मशक्कत के बाद निकाला। दीपू के पिता कोलकाता में मजदूरी करते हैं, इसकी सूचना उन्हें फोन पर दी गई। वहीं मां भगिया देवी एवं अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि नहाने क्रम में पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने की बात सामने आ रही है। बांका जिला के कटोरिया थाना क्षेत्र के कठौन पंचायत अंतर्गत सुपाहा गांव में शौच कर पानी लेने के दौरान पोखर में डूबने से एक 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के उज्जवल दास उर्फ वोल्टन दास के रूप में हुई है।
घटना के संबंध में परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार युवक सुबह शौच के लिए पोखर की ओर गया था। शौच के बाद पानी लाने के लिए वह पोखर के पास गया और पैर फिसल जाने की वजह से पोखर के गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि काफी देर तक नहीं लौटा, जिसके बाद खोजबीन की गई। इधर गांव किसी व्यक्ति ने पोखर में सबको देखकर हो हल्ला किया। हल्ला सुनकर परिजन सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा पोखर से युवक के सब को बाहर निकाला गया तथा घटना की सूचना कटोरिया पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अवर निरीक्षक रंजीत कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। इधर घटना को लेकर मृतक के पिता के फर्द बयान पर कटोरिया थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल कटोरिया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।